हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री जनक राम जी हैं। प्रधानमंत्री से जो शिष्टमंडल मिलने जा रहा है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, बीजेपी के तरफ से जनक राम जी जा रहे हैं। जनक जी, बीजेपी के तरफ से आप जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बिहार प्रदेश के शशि प्रदेश नेतृत्व और देश के शशि प्रदेश केंद्रीय नेतृत्व को मैं कोटि से बधाई देना चाहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी ने ये मुझे अवसर दिया है, तो मैं कोटि से बधाई देता हूँ, धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ कि मेरे जैसे एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ। रही बात बिहार के शशि मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने देश के शशि प्रधानमंत्री जी से समय मांगा था, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समय दिया है, तो एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते शिष्टमंडल में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। रही बात जातीय जनगणना के, तो देश के प्रधानमंत्री के सामने ये फैसला, प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय होगा वो बिहार राज्य का, सर्व समाज का, देश के सर्व समाज को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेंगे, वो सर्वमान्य होगा। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री इनकार करते हैं तो बीजेपी अपने सहयोगी जेडीयू के साथ बिहार में जब जातीय जनगणना होगी तो रहती है कि नहीं रहती है। क्या मैं निशांत रंजन के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया पटना।